अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं पाहुर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। हसन रजा तेली जो कर रहे हैं साइकिल पे सफर, जो कर्नाटक से ही है, इसके सारे साथी साथ में लगे हुए, अजंता से, शिमला से, गोलेगांव से, सिल्लोड से और फरदापुर से और मालूम पड़ रहा है वो तुरंत आ रहा है। आप भी आगे तुरंत आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी पाहुर में है दोस्तों, ये कल वीडियो बनाए हुए हमने जो आपको पूरी जानकारी दी है अजंता घाट से तो पाहुर तक और जामनगर तक, इसी वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले, तो लास्ट तक बने रहना चाहिए। आपने हसन रजा तेली सामने जो नजर आ रहे हैं आपको, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम आदाब दोस्तों, आपको तो पता है जो कल जो हसन रजा तेली जो अजंता से गुजरे, जो साइकिल पे हज के लिए जा रहे, तो बहुत सी वीडियो हमने बनाए हुए अजंता घाट तक अभी हमने अपलोड करे। इसके बाद मैं आपको बताने वाला अजंता घाट के पास से जो अजंता केव से वर्ल्ड फेमस, वहां से तो फरदापुर से पाहुर और पाहुर के पास से जामनेर तक, इसमें बताने वाले ये पार्ट में आपको, तो बने रहना चाहिए। और जामनेर में किस तरीके से इस्तकबाल किए वो भी आपको बताने वाले, तो एक एक करके अपलोड करेंगे। जो बुधवार तक हम साथ में गए थे तो वहां तक वीडियो अपलोड करेंगे आपके लिए। तरफ जो अजंता केव्स आ रहा है अभी, जो टी पॉइंट आएगा अजंता केव्स वर्ल्ड फेमस है। ये देखिए हमारी शान, हमारी जान, जो तिरंगा, तो ये टी पॉइंट है जो अजंता केव्स वर्ल्ड फेमस है, जो यहाँ पहुंच चुके हैं अभी। इस तरफ अजंता गुफाएं है, ये है दोस्तों अजंता गुफाएं जो आपको नजर है, यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे। तो ये है भाई जो हसन तेली जो चल रहे हैं। थोड़ी लाइफ में हमसे थोड़ी गलती हुई क्योंकि नाम मालूम नहीं रहता है। फरदापुर का जो अजंता का घाट है, घाट अभी थोड़ा उतर चुके हैं, अभी फरदापुर की तरफ जा रहे हैं। हमारे मसूद भाई, सभी लोग साथ में चल रहे हैं। अभी देखना है फरदापुर में इस्तकबाल होता है कितना, कितने लोग रहते हैं वहाँ फरदापुर के अंदर। आरिफ भाई मैकेनिक, मोहसिन भाई, मसूद भाई और इकराम मौलाना, मम्मू चचा, सभी लोग साथ में चढ़े। देखिए आपने देखे कितने लोग थे यहाँ। हमारे हाजी साहब भी अभी अभी हज करके आए, इन्होंने कुरेशी है। तो देखना है अजंता के साथी कहाँ तक जाते हैं साथ में। ये हमारी शान, हमारी जान, जो तिरंगा नजर आ रहा है आपको, जो हसन तेली चढ़ रहे हैं 2024 के, जो साइकिल पे जा रहे हैं हज के लिए। बार बार मेरे पैदल जो शिहाब भाई के साथ चले तो वो आदत हो गई। तो दोस्तों ये जो कर्नाटक से है जो जा रहे हैं, आपको भी पता है शिहाब चतुर जो पैदल जा रहे थे हज के लिए। तो दोस्तों आपको तो पता है शिहाब भाई के साथ हम पैदल चले थे, तकरीबन राजस्थान से सफर किए थे हमने। अभी ये हसन तेली जा रहे हैं जो कर्नाटक से, आपको जानकारी दे रहे हैं, फरदापुर में पहुंच चुके हैं अभी, क्योंकि फरदापुर में पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं दोस्तों अभी कहां तक सफर होता है हमारा, इसके बाद के पार्ट में आपको बताएंगे। फरदापुर, आपको ये जो फरदापुर का सीन बता रहे हैं अजंता से तो फरदापुर तक हसन तेली के साथ कल पे चले, मोटरसाइकिल पे चले सभी लोग जो हज के लिए जा रहे हैं 2024 के। तो फरदापुर की चढ़ पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये फरदापुर से गुजर रहे हसन तेली जो साइकिल पे हज के लिए जा रहे हैं, ये देखिए फरदापुर, सभी फरदापुर की होटलें आपको नजर आ रही है। सरूप है हमारे हफी साहब, फरदापुर के हमारे जितने मुस्लिम भाई हैं उनको पता नहीं हुआ, ये उनके साथ जो गाड़ी नजर आ रही है, जो साथ में चल रही है गाड़ी। तो हम फरदापुर के बाहर निकल रहे हैं अभी।
दोस्तों देखना है, एक साइड से चलना। मोहम्मद भाई भी आ चुके हैं हमारे, मोहम्मद भाई। हसन तेली हमारे, तो देखते हैं अभी दोस्तों, तो उनसे बात भी करेंगे हम। एक तरफ अभी तो बहुत लोग हैं, तो देखते हैं अभी कहाँ तक चलते हैं साथ में, तो थोड़ी मुलाकात भी लेंगे आपको हसन तेली भाई। जो तो दोस्तों आपको हम बता रहे हैं, जो कर्नाटक से है, जो उनसे बात भी करें हमने लाइव में, जो इनका नाम है हसन तेली, तो थोड़ा हसन अली बोल दिया था हमने जो लाइव में, तो थोड़ी माफ़ी चाहते हैं हम, तो पहले नाम नहीं मालूम था सही तरीके से। जो हम भाई से बात भी की हमने, आपने देखे इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। हमारे मोहम्मद भाई और सभी जो अजंटे के लोग हैं हमारे साथ में चढ़े, अब देखना है इमरान भाई इधर नजर है कहाँ तक चलते हैं, ये देखना है। कुछ हमारे साथी फरदापुर से भी जुड़े हैं, ठीक है, फरदापुर से भी जुड़ गए अभी साथी। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं पौर पहुंच चुके हैं, तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना चाहिए। हसन रजा तेली जो कर रहे साइकिल पे सफर, जो कर्नाटक से है, इसके बारे में आपको हम जानकारी दिए लाइव में। थोड़ी बहुत नाम में गलती भी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो ये देखिए सामने जो पौर में अभी हो गए एंट्री, पौर में हो गई एंट्री, तो इसकी जानकारी पूरी देते रहेंगे आपको, जो हम साथ में चढ़ रहे हैं अभी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, भाइयों में आपने शेयर करना चाहिए। आपको तो पता है श्याम भाई पैदल गए थे केरला से हज के लिए, उनके साथ भी हम जो राजस्थान से स्टार्ट हुए थे, तो माशाल्लाह अभी देखते हैं हमारे भाई कहाँ तक चलते हैं अभी। सभी लोग तो अजंटा से आ रहे हैं हम अभी, भाई शिवने से आ रहे हैं, शिवने से मालूम पड़ा तो शिवने से आ गया। देखिए तो दोस्तों पौर में एंट्री कर चुके हैं हमने अभी, देखिए तो थोड़ा क्लियरिटी कम आ रही है, इसलिए कि धूप के कारण जो दिखाई नहीं दे रहा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहिए, आपको जानकारी दे रहे हैं हम। माशाल्लाह बहुत सारे साथी हमारे साथ हैं, जो समीर भाई भी हमारे साथ, और बहुत सारे साथी साथ में लगे हुए, अजंटा से, शिवना से, गोलेगांव से, सिल्लोड से, और फरदापुर से, और मालूम पड़ रहा है वो तुरंत आ रहा है, आप भी आगे तुरंत आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं। तो अभी पौर में है, पौर में पहुँच चुके हैं हम, ब्रिज के पास पहुँच चुके हैं। तो ये वागुर नदी है अजंटा से होते हुए जो गुजरती है, जो वहाँ आए हम पौर के पास। ये देखिए उनकी गाड़ी साथ में चढ़ी है, तो ये आपको ब्रिज नजर आ रहा है दोस्तों, जो दोस्तों इस तरह से नदी जा रही है वागुर नदी है, ये देरी जाएंगी देरी कटारी के डैम में, वागुर डैम जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जामनेर रास्ता है जो, और इस तरफ जाने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो जामनेर तरफ जाने वाले, तो यहाँ इस्तकबाल के लिए बहुत सारे लोग जो यहाँ मौजूद है, वो चलते हैं दोस्तों आपको बताते हैं। सभी लोग यहाँ नजर आ रहे हैं अभी, सभी जो पौर इस्तकबाल के लिए खड़े, ये आ गया रजा तेली, इस्तकबाल हो रहा पौर में। तो दोस्तों आपने देखा पौर में किस तरीके से इस्तकबाल हो रहा हसन रजा तेली, तो ये साइकिल पे जाने 2024 के हज के लिए, तो इसमें आपको हमने बताया, और जामनेर में किस तरीके से एंट्री हुई और कितने लोग साथ में जुड़े, ये आपको बताने वाले हैं। तो बने रहना चाहिए हमारे साथ, पूरी जानकारी आपको हम देने वाले हैं। दोस्तों हसन रजा तेली जो साइकिल पे जा रहे हैं कर्नाटक से पैदल जा रहे हैं, तो हमारी शान हमारी जान जो तिरंगा साथ में, तो चलते हैं दोस्तों आगे का मंजर आपको बताते हैं। तो जामनेर साइड में जा रहे हैं अभी, पौर में पहुंच चुके हैं, तो जामनेर जा रहे हैं, जामनेर से मुक्ताई नगर जाएंगे, मुक्ताई नगर में जो जुमा की नमाज अदा करेंगे। लोग जुड़ गए पौर से, ये देखिए सभी भाई इस्तकबाल कर रहे हैं यहाँ पौर में, सभी पौर वाले। वो झंडा नीचे ले, झंडा नीचे लेना, दिखने तो ना झंडा। तो पौर से है ये, सभी इस्तकबाल कर रहे हैं हसन रजा तेली। तो चलते हैं दोस्तों, चलते हैं पहले श्याप भाई अभी गए पैदल।
दोस्तों आपने देखे पवर में किस तरीके से इस्तकबाल हुआ, उसके बाद में जो जामनेर में इस्तकबाल हुआ और कितने लोग साथ में जुड़े, ये आपको हम बताने वाले। तो इसमें इसके बाद के पार्ट में आपको जानकारी देंगे। यहाँ से जो आपको भुसावल नजर आ 40 किलोमीटर है और जामनेर 14 किलोमीटर है, तो बने रहना चाहिए। ये है हसन रजा तेली जो जा रहे साइकिल पर जो 2024 के हज के लिए। तो चलते हैं दोस्तों, अभी जानकारी देते रहेंगे आपको, बने रहे लास्ट तक। देखिए पवर में बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तो पूरी जानकारी आपको हम देने वाले, वीडियो में बने रहना चाहिए हमारे साथ। सभी एजेंटे से साथी हमारे जो चल रहे हैं साथ में, फर्रुख भाई और इमाम साहब जो मौजूद हैं यहाँ। तो हम करीब आ चुके हैं जो दोस्तों पवर के, जाओ तुम सीधा सीधा जाओ पवर के थोड़ा आगे आगे। तो यहाँ रेलवे फाटक है, छोटी जो ट्रेन चलती है जो पाचोरे से आती है। तो ये देखिए सभी लोग एजेंटे से आए। तो माशाल्लाह ये है हसन रजा भाई। तो दोस्तों साथी हमारे अजंटे से जो जामनेर तक चलने की बात है, अभी देखिए सामने ये भाई जो जा रहे हैं। जलील कुरेशी हाजी साहब अभी अभी हाजी 2023 के हज के लिए गए थे, तो शिहाब भाई के साथ साथ हज करे इन्होंने भी। तो दोस्तों दो बार हज करके आ गए हमारे कुरेशी भाई ने। तो इकराम मौलाना अभी भी साथ में है, तो देखना है जट्टे के हमारे साथी कहाँ तक चलते हैं साथ में। मोहसिन भाई, इकराम मौलाना, तो दोस्तों गाड़ी साथ में चढ़ी है, चार लोग हैं इसमें। केरला है 16 है पासिंग। से हम पहुंच चुके हैं यहाँ जामनेर के करीब करीब पहुंच चुके हैं हसन रजा तेली जो साइकिल पे जा रहे हैं इसके लिए। जामनेर के करीब करीब अभी पहुंचने वाले, तो वीडियो में बने रहना चाहिए। आपने अजंता से लेके आपको पूरी जानकारी देंगे कहाँ मुकाम है आज उनका, वो बताने वाले। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए आपने। जामनेर से पहले लगता है गाँव टाकली, हमारे मौसी भाई भी चल रहे हैं साथ में। तो दोस्तों इसके बाद के पार्ट में आपको जो जामनेर में सभी लोगों ने इस्तकबाल किए माशाल्लाह हसन रजा तेली का जो 2024 के हज के लिए जा रहे, तो इसके बाद के पार्ट में पूरी जामनेर की जानकारी आपको हम देने वाले।